सो गाइस वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको सबसे पहले जो है अपडेट कैसे मिल सकता है। सबसे पहले आपको अपडेट अपने फ़ोन में मिल जाएगा, पर यहाँ पे शर्त यह है कि आपके पास Xiaomi वाला फ़ोन होना चाहिए। कोई भी Xiaomi का कोई भी फ़ोन हो, सीरीज चाहे कुछ भी हो, नोट 7 हो या फिर कोई भी हो यार, अगर आपको अपडेट का पता नहीं चलता है, जैसे कि MI का कोई भी फ़ोन हो, Xiaomi के रिलेटेड मैं ये वीडियो बनाई है वाली, तो Xiaomi के अंदर ये चीज़ होंगी। तो अगर आपको Xiaomi के किसी भी फ़ोन में अपडेट नहीं मिलता या फिर अगर आपको पता नहीं चल पाता है अपडेट कब आएगा या कब आने वाला है, तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है, मैं आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी। दोस्तों आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगा Xiaomi का, मेरी गारंटी है इस चीज़ की। विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम वीडियो कर देते हैं स्टार्ट। तो चलो दोस्तों इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूं, पहले ये जो पूरी वीडियो है Xiaomi के यूज़र्स के लिए ओनली, Xiaomi के जितने भी फ़ोन है उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है डायरेक्ट। तो वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है यार, मज़ा आने वाला। सबसे उससे पहले यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक काम करो, छोटा सा एक लाइक का बटन है इसको पुश कर दो, और यहाँ पे जो सब्सक्राइब वाला बटन आ रहा हुआ है यहाँ पे, तो इसको भी एक बार पुश कर देना, जैसे सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएंगे। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, कर दो ना। तो सो यहाँ पे मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन में आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप सबसे पहले जो है अपडेट पा सकते हैं अपने फ़ोन में। बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको क्या करना होगा दोस्तों, कोई भी फ़ोन हो, मेरा जैसे कि पोको F1 का जो है ये फ़ोन है, आप देख सकते हो पोको F1 है मेरे पास। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा अपने जो सेटिंग है, एक बार आपको थोड़ी सी सेटिंग करनी होगी अपने फ़ोन में, जिसके बदौलत आपको जो है हमेशा हर रोज़ आप जो चेक कर सकते हो अपडेट आपका बहुत ही सिंपल तरह से। आपको इतना झफेले में जाने की जरूरत नहीं है, सेटिंग में जाना, अबाउट में जाना, वो सब आपका सब कुछ कट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरह से आपको सबसे पहले जो है अपडेट मिल जाएगा, तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है। वीडियो को पूरा देखते रहिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा, मैंने बताया जैसे कि आपको लाइक करना है तो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो के नीचे एक छोटा सा कमेंट कर दो प्लीज़, कुछ भी रिलेटेड कमेंट कर दो, जो भी आपका क्वेश्चन है माइंड में। तो यहाँ पे हम देखो दोस्तों, यहाँ पे हमको जाना है सेटिंग में। सबसे पहले सेटिंग में जाने के बाद हमको यहाँ पे जो फर्स्ट में अबाउट वाला ऑप्शन मिलता है, तो एक छोटी सी सेटिंग करनी है, जब से कि आपको बता रहा था, तो अबाउट वाला आपको जो ऑप्शन मिलता है अबाउट फोन के नाम से, तो यहाँ पे आपको इसको ओपन कर लेना है। अबाउट फोन ओपन करने के बाद में अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अबाउट फोन ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे जो सिस्टम अपडेट दिख रहा है गाइस, सिस्टम अपडेट साइड में आप देख पा रहे हो पूरा सिस्टम अपडेट जो आपको ओपन कर लेना है यहाँ से। अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, MIUI 11 का जो है नॉर्मल वाला जो ये कुछ थीम दिख रहा है, आपको देख सकते हो। तो यहाँ पर आप क्या करते हो गाइस, बार बार हमको चेक करना पड़ता है कि अपडेट हमको मिला है या नहीं, और यहाँ पे हम आपको मतलब कभी कभी डिले हो जाता है अपडेट, तो बहुत ही मतलब इजी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, और यहाँ पे आपको डिले भी नहीं होगा, बहुत ही जल्दी आपको अपडेट मिल जाएगा इस ट्रिक के जरिए। तो यार यूज़ करिएगा, बहुत अच्छी ट्रिक है और करके देख लीजिएगा। तो अब आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे जो 3 डॉट दिख रहे हैं राइट साइड में सबसे ऊपर जो है इधर की साइड में कुछ आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे यहाँ पे, तो इन 3 डॉट को आपको यहाँ पे टैप कर देना है एक बार, और यहाँ पे आपको अभी यहाँ बहुत सारे जो ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि डाउनलोड लेटेस्ट पैकेज, चूज अपडेट पैकेज, ये सब आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से आपको ऊपर से 3rd नंबर वाला जो ऑप्शन है अपडेट सेटिंग, तो यहाँ पे आपको अपडेट सेटिंग में एक बार टैप कर देना है। उसके बाद में एक सिंपल सा तरीका है, वो आपको यहाँ पे यूज़ करना है। लास्ट में चले जाइए, बिल्कुल सब कुछ नहीं करना, सिर्फ लास्ट में चले जाइए, नीचे बिल्कुल लास्ट में चले जाना है। लास्ट में जाने के बाद में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, ऐड होम स्क्रीन शॉर्टकट। तो यहाँ पे ये जो आपको ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे देख सकते हो आप लास्ट में, ऐड होम स्क्रीन शॉर्टकट, तो यहाँ पे ये अभी मेरा डिसेबल है, तो इसको आपको इनेबल कर देना है। कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो नीचे दिख रहा होगा लास्ट में 2 ऑप्शन मिलेंगे अदर्स के अंदर आपको, एक तो मिलेगा रिसीव अपडेट और एक मिलेगा आपको यहाँ पे ऐड होम स्क्रीन शॉर्टकट। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है, ऐसे आपको एक बार इनेबल कर देना यहाँ से देख रहे हो आप नीचे, तो यहाँ पे इनेबल करने के बाद में कुछ नहीं करना, बस आपको वापस होम स्क्रीन में चले जाना है। होम स्क्रीन में जाने के बाद में आप जब आपकी होम स्क्रीन पे आपको देखोगे, तो यहाँ पे आपको जो लास्ट में दिखेगा यहाँ पे अपडेटर नाम से जो ऑप्शन दिख जाता है, देखो तो मैंने होम स्क्रीन पे ये है, तो होम स्क्रीन से मैं साइड में सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे मेरे को अपडेटर नाम से जो ऑप्शन दिख गया, तो अपडेटर को आपको उठा के यहाँ से और अपने जो मेन होम स्क्रीन है वहाँ पे आपको यहाँ पटक देना है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। अब आपको क्या करना होगा, बहुत ही आसान है, देखते रहा करो जब भी, अगर आपको सोते हो उठते हो नहीं मतलब सोते हो उठते हो और कुछ भी जो काम करते हो रोज़ का, तो यहाँ पे आप फ़ोन चलाते टाइम भी एक बार चेक कर सकते हो कि अपडेट हमको मिला है या नहीं। फिर आपको देखो क्या करना होगा, अपडेट पे एक बार टैप कर देना है और यहाँ से आप चेक कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट शॉर्टकट चीज़ है, चेक फॉर अपडेट, चेक फॉर अपडेट कर सकते हो। दिन में 100 बार भी करोगे तो भी कोई बुरी बात नहीं है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो हर बार, और यहाँ से इसी तरह से आपको सबसे पहले जो है अपडेट मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। नहीं मिलेगा इस तो फ़ोन फ्री दे दूँगा यार, और क्या बोलूँ। इस तरह से आप जो है अपने फ़ोन में चेक कर सकते हो कि आपको अपडेट मिला है या नहीं। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है गाइस, ऐसे ही पोको से रिलेटेड और Xiaomi से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होंगे मैं आपको सबसे पहले ला के दूंगा। तो यार गाइस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और यहाँ पर लाइक का काला बटन है इसको भी कर दीजिएगा लाइक, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो यार नीचे एक
कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए, जिससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं आपसे एक और अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।